हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्प कला केंद्र। आज क्लास में आई मेकअप हुआ है। जो मॉडल हैं वो हमारी स्टूडेंट हैं वंदना जी, और जो मेकअप कर रही हैं वो प्रिया जी हैं। आज प्रिया जी सबसे पहले आईब्रो सेट कर रही हैं। आज मैंने उनको ये टिप्स दिया कि पहले आप आईब्रो सेट करिए, फिर उसको क्लीन करिए। आईब्रो को क्लीन करने के बाद तब आगे काम करिए, और आईब्रो को थोड़ा सा नेचुरल से हट करके उसको शेप दीजिए, प्रॉपर शेप जो आईब्रो का होता है। इसलिए थोड़ा सा अप करी हुई है। इसके बाद इन्होंने डार्क पर्पल से आउटर कॉर्नर पे वी शेप देते हुए क्रीज के पास टच किया हुआ है। इस आई मेकअप करने से पहले उन्होंने क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर लगा चुकी हैं, कलर करेक्टर और कंसीलर फाउंडेशन लगाने के बाद का ये वीडियो है। वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब देखिए, टू शेड्स मिला के, पिंकिस टू शेड्स मिला करके आईबॉल को अब इन्होंने कंसीलर लगा करके इसके ऊपर से पिंक कलर को करके मर्ज किया हुआ है। कंसीलर या बेस लगाते हैं तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो मिक्स हो जाता है, मैश हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो खिल करके उभर करके आता है। इसलिए आईबॉल पे इस तरह से टेक्निक अप्लाई करते हैं। हाँ, बहुत पतला लेयर लगाना चाहिए, नहीं तो क्रैक्स आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं से भी हमारा हार्स लाइन नहीं दिखाई देना चाहिए, अच्छे से मर्ज कर देना चाहिए राउंड राउंड शेप में। अब ये हाईलाइट कर रही हैं। हाईलाइट के लिए मैंने इनको कहा है कि आउटर से इनर पे आएंगी हाफ, और आउटर का पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और एक लाइन नहीं खींचनी चाहिए, आउटर में चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद आधा लगाने के बाद फिर सिंपल ब्रश से खींच देना चाहिए। इस तरह से इन्होंने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। हाँ, अभी इधर वाले आईलाइनर में थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन दाहिने तरफ वाला बहुत ही अच्छा आईलाइनर इन्होंने लगाया है, हाथी है। और अभी ये प्रैक्टिस ही कर रही हैं, अब ये तैयार कर रही हैं अपने आप को। सीखने के बाद जब भी मैं इनको ओके कर दूंगी तब ये मार्केट में सिंपल पार्टी मेकअप के लिए जाने लग जाएंगी, लेकिन अभी समय है, इसी के लिए तैयारी हो रही है इनकी। और वंदना जी के जो आईब्रो में बीच में कट के निशान हैं वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इनको, उसको भी मैनेज करना है। अब जो ऊपर आई शेडो लगा है पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक, उसको भी लगाने के बाद फिर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन से नीचे के वाटर लाइन को डेकोरेट कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं वहाँ पर, ताकि हमारी आंखें बड़ी और उभरी हुई लगें, खूबसूरत लगें, बड़ी बड़ी लगें। बहुत सुंदर प्रयास, आप देखें, सीखें, आप इनसे अपने को कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि ये भी सीख ही रही हैं। आप यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। हमारा दूसरा चैनल है कुकिंग का, शिप्रा श्वेता कुकिंग, वहाँ पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर टच करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मैं जो भी क्लास में सिखाती हूँ वो सारे के सारे वीडियो में डालती हूँ। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।
अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। ये हमारा फाइनल तैयार है। बाय बाय।